चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड एक टेबल बनाई थी जिसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आ गए थे, जिनमें लोन पेयर भी था, लोन पेयर का रिपल्शन भी था। और उस समय आपको हो सकता है कि लगा होगा कि क्या हो रहा है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है VSEPR, वेस्पर थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्पर थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी बताओ? वेस्पर, इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या नाम है जल्दी बताओ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ब्रैकेट में एक नाम और लिखेंगे आप इसका, मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। ब्रैकेट में क्या नाम आएगा इसका? मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये मिनिमम रिपल्शन थ्योरी होती है। क्या होती है? मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। अब इसने कुछ रिपल्शंस के बारे में बताया, जैसे लोन पेयर रिपल्शन, फिर लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, और फिर बोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के रिपल्शन बताए इन्होंने, वेस्पर वालों ने। पहला लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर रिपल्शन, तीसरा बोन पेयर रिपल्शन। क्या बताया जल्दी बताओ? पहला लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर रिपल्शन, और तीसरा बोन पेयर रिपल्शन। पहला लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर रिपल्शन, और तीसरा बोन पेयर रिपल्शन। अब सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन जो वेस्पर वालों ने कहा वो होता है लोन पेयर रिपल्शन, फिर होता है लोन पेयर रिपल्शन, और फिर होता है बोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे ज्यादा हम बात करें तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर होता है, और तीसरे नंबर पर आता है बोन पेयर। लेकिन मन में जो सवाल है आज भी, वो सवाल यही है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों? उसका रीजन आज हम आपको बताते हैं। ये रीजन आपको कोई नहीं बताता कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है। इसको मैं ऐसे न्यूक्लियस बना देता हूं समझने के लिए, है ना। अब देखो, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अब यहां हम बात करते हैं, तो ये आपका जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसको, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, और ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, उसको रिपल कर रहा है, और ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर सबको? आया ना? क्लियर। तो अब जब ये रिपल कर रहे हैं दोनों ऐसे, तो यहां इसकी और इसकी डिस्टेंस बहुत कम हो गई। इन दोनों की डिस्टेंस अगर कम है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपस में इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन अचानक से ज्यादा आएगा, आपस में रिपल्शन ज्यादा आएगा, आपस में रिपल्शन ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप लोन पेयर और बोन पेयर की बात करेंगे, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये अपनी ओर खींचेगा। क्लियर, ये फिर से धक्का देगा। अब आया लेकिन बॉन्ड पेयर, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, और ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये अपनी ओर इसको खींच रहा है, ये इसको धक्का देगा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये जो होगा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा, ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा। तो फील लेना है इसको आप, ये गुब्बारा है, फूल गया, गुब्बारा ऐसे फूला हुआ है,
यहां से मैंने पकड़ा हुआ इसको, दैट इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब मैंने क्या करा कि अगर यहां पर भी एक और न्यूक्लियस होता यानी अट्रैक्शन आता तो वो अपनी ओर खींचता ऐसे, वो ये जैसे खींच रहा है, तो ये जो है ये जो इतना फैला हुआ है ये ऐसे पिचक जाता ना, जैसे ये पिचक गया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, ये डिस्टेंस बढ़ गई तो इसका मतलब यहाँ रिपल्शन कम आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ रिपल्शन ज्यादा आएगा। बोन पेयर को देखो, ये रिपल करेगा, ये रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा नीचे, ये भी रिपल करेगा, सेम डिस्टेंस पे ये यहाँ न्यूक्लियस है, ये अपनी ओर खींचेगा, ये न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, यहाँ जो गैप था उससे ज़्यादा गैप यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ डिस्टेंस दूर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर दूर हो जाएंगे तो अपने आप ही क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा आएगा या कम आएगा, बहुत कम आएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या आएगा, बहुत कम, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या आएगा, बहुत कम। फील आई जो मैंने बोला आपको, पक्का आया ना, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर, फिर होता है लोन पेयर बोन पेयर, और फिर होता है आपका बोन पेयर, फिर आपका क्या होता है बोन पेयर। तो पहला रिपल्शन आएगा लोन पेयर, फिर आएगा लोन पेयर, और फिर आएगा आपका सबसे कम बोन पेयर रिपल्शन। फील आएगी नहीं आएगी, आराम से समझें, ये आपका लोन पेयर था, ये इस पॉजिटिव का क्या बनाया मैंने, न्यूक्लियस, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है, ये अपनी और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन भी रिपल कर रहे हैं, तो इतना स्पेस आ रहा है इसका, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, इतना स्पेस आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है कम, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है कम, अगर इन दोनों के बीच में गैप है कम तो सोचो क्या हुआ, गैप कम है तो रिपल्शन क्या आएगा ज्यादा, यहां और यहां जब आप देखोगे तो क्या होगा, यहां और यहां देखोगे तो क्या होगा कि ये तो अपनी ओर खींच रहा है, ये धक्का दे रहे हैं इसलिए इतना फैला हुआ है, लेकिन यहां पर बॉन्ड पेयर में दो न्यूक्लियस होते हैं, बॉन्ड पेयर मतलब होता है बॉन्ड, जैसे H और F, तो F का न्यूक्लियस भी होगा उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे और H का न्यूक्लियस भी होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी ओर, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फैल रहे थे ये फैलने की जगह ऐसे हो जाएंगे कि ऊपर की तरफ पिचक जाएंगे ऐसे, जैसे गुब्बारा होता है, ये गुब्बारा फैला हुआ है ऐसे, अब ये गुब्बारे को मैंने यहां से टॉप पे पकड़ के ऐसे खींचा तो पिचक जाएगा ना भाई, ये पिचक गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा, यहाँ और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो और रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो गया तो बोलो, और रिपल्शन कम हो गया तो और कम आएगा, तो सबसे कम रिपल्शन समझ में आ गया कौन सा है, बीपी बीपी। अब हम बात करते हैं इन रिपल्शंस को क्या होता है, इन रिपल्शन का, तो वेस्पर ने कहा कि जो रिपल्शन ये हैं, उन रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल वो ज्योमेट्री एक्सेप्ट करता है जहां रिपल्शन मिनिमम हो, वो ज्योमेट्री एक्सेप्ट करता है जहां रिपल्शन मिनिमम हो, कम हो, रिपल्शन कम होना चाहिए, इसीलिए नाम था मिनिमम रिपल्शन थ्योरी, यह जीरो नहीं करता है, यह रिपल्शन को जीरो नहीं करता है, यह रिपल्शन को जीरो नहीं करता है, यह रिपल्शन को कम करता है, इसलिए इस थ्योरी का नाम है मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। अब आपने बताओ कि एक जगह अगर मान लो एक ऐसा आदमी है जो बहुत ताकतवर है, जो अगर एक घुसा मारते तो मर जाओगे तुम, और एक जगह बहुत कम आदमी खड़ा, बहुत वीक, ठीक है, जो आपको अगर मार भी दे तो बहुत आप सहलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है यार, जैसे एक छोटा बच्चा मारता ना गाल पे खींच के तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको एक पावर दी गई है जिससे कि आपको कम करना है, ठीक है, किसी की ताकत को, तो आप किसकी ताकत कम करोगे, जो स्ट्रांग है उसकी ताकत कम करोगे, क्योंकि उसने मार दिया तो मर जाओगे, तो आप अपने सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रांग है उसी को कम करोगे, समझ गए। तो इसी तरह से वेस्पर ने क्या बोला कि ज्योमेट्री में जो रिपल्शन सबसे स्ट्रांग लग रहा हो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहिए, वरना वो ज्योमेट्री में अनस्टेबल हो जाएगी, वो नहीं बनेगी।
समझ रहे बात को? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा उसी रिपल्शन को मिनिमाइज करना होगा, ठीक है? अब दिमाग लगाते हैं हम क्या कि सपोज अगर लोन पेयर 90 डिग्री पर हैं आपस में एक दूसरे के पास और लोन पेयर 120 पर हैं, तो कहां पास पास होंगे लोन पेयर? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब 90 डिग्री पर रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि पास पास है, 120 पे तो नहीं होगा। तो अगर किसी ज्योमेट्री में एंगल 90 है और किसी में 120 है, तो लोन पेयर कहां रखने चाहिए? 120 पर रखने चाहिए, क्योंकि वो दूर दूर होंगे 120 पे, 120 पे दूर दूर होंगे तो उनमें रिपल्शन कम आएगा। सिंपल है। तो जो अपन ने टीबीपी ज्योमेट्री पढ़ी थी उसके अंदर आपने पढ़ा था टीबीपी ज्योमेट्री ऐसी होती है, आया ना? अब अगर ऐसी होती है तो आपके पास दो पोजीशन थी। एक पोजीशन है कि आप लोन पेयर को यहां रख दो, ये कौन कितने डिग्री पर आया? 120 पे। और एक पोजीशन आपके यहां है कि यहां रख दो, ठीक है? ये आपके हो गए इक्विटोरियल, ये हो गई आपके एक्सियल, ठीक? तो दिमाग की बत्ती जलाओ, ये लोन पेयर यहां रखा हुआ है, ठीक है, एक पोजीशन, और एक पोजीशन यहां रखा हुआ है। अब ये तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, ये कौन सा हुआ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यानी कि हमें रिपल्शन किस पे देखना पड़ेगा? एक तो 90 डिग्री एंगल है उस पे देखने हैं और एक 120 पे है। तो हमेशा उसने क्या कहा, जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन उसे मिनिमाइज करो। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रिपल्शन अगर आएंगे पास पास आएंगे तो 90 डिग्री पर ही आएंगे। तो हमेशा हम कैलकुलेट 90 डिग्री पर ही करते हैं रिपल्शन, ठीक है? किस पे करते हैं? 90 डिग्री। नोट करो इसको। हो गया? तो सोचो अब 90 डिग्री पर यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की बात करें कितने होंगे, चेक करो। यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होंगे चेक करो। जहां रिपल्शन ज्यादा हो रहे होंगे वो ज्योमेट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा मॉलिक्यूल, ठीक है? अच्छा, यहां पर ही क्यों ऐसा हुआ पता है? क्योंकि यहां दो पोजिशन थी, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। तो यहीं पर डाउट आ रहा था कि कहां रखूं। इससे पहले अगर एसपी आएगा, एसपी में लोन पेयर कहीं भी रखो आप, कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिकल है। एसपी टू में भी लोन पेयर कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं है, पूछो क्यों, आइडेंटिकल है। एसपी थ्री के अंदर भी कहीं भी रखो, चारों आइडेंटिकल है एक दूसरे से, कहीं भी लोन पेयर रख सकते हैं। यहीं पर आपकी दिक्कत थी क्योंकि यहां दो पोजिशन आ रही है, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल, आया ना? अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कैलकुलेट करे हो आपने, तो देखो मैं आपको करवाता हूं यहां पे 3D के अंदर। देखो आपको बताई थी ना ज्योमेट्रियां, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आपका क्या है, एसपी 3D, ये ऐसा था, याद है 3D में? अब अगर ये ऐसा था सोचो, तो अब दिमाग की बत्ती जला के अपन क्या सोचें कि ये यहां पर एक लोन पेयर रखा पहले, तो अब ये जो लोन पेयर रखा हुआ है, ठीक है, इस लोन पेयर को अज्यूम करना है ये उंगली से, ये मेरा अंगूठा। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोन पेयर और ये वाला 90 डिग्री पर है, तो एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पर आ जाएगा रिपल्शन पास में है तो, और एक नीचे वाला आ जाएगा 90 डिग्री पर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, आया ना? क्या समझ में आया बताओ? एक 90 डिग्री पर आ जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और एक आ जाएगा 90 डिग्री पर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये वाला लोन पेयर लेकिन इस वाले से तो कहां होगा, 120 पर, इससे क्या होगा, 120 पर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वाला इससे करेगा 90 पे और ये भी इससे करेगा 90 पे, ये और ये तो 120 पर है, तो हमने 90 वाले पर ही रिपल्शन काउंट करना है क्योंकि 90 पर ही पास पास होंगे ये, तो 90 पर अगर ये पास पास होंगे तो रिपल्शन ज्यादा आएंगे, क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे तो कितना आएगा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दो। यहां देखो ये इससे एक रिपल्शन, दो रिपल्शन, तीन रिपल्शन, देखना जरा कैसे आए, तीन रिपल्शन कैसे आया। सोचो कि अगर मान लो मैंने यहां पर था और यहां रख दिया लोन पेयर, तो ये ऐसा दिखेगा, ये अंगूठा लोन पेयर है। अब इससे देखो आप, ये 90 डिग्री पर एक लोन पेयर, ये 90 डिग्री पर दो लोन पेयर, ये 90 डिग्री पर तीन लोन पेयर, क्लियर? ये 90 डिग्री पर एक लोन पेयर, 90 डिग्री पर दो लोन पेयर, 90 डिग्री पर तीन लोन पेयर, क्लियर? तो सोचो क्या हुआ,
तीन आएंगे लोन पेयर, ये तीन लोन पेयर आ गए। तो अब मेरे को बताओ रिपल्शन यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां ज्यादा है। अगर यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, सॉरी यहां ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्योमेट्री एक्सेप्टेड नहीं होगी, यही होगी, ये ज्योमेट्री एक्सेप्टेड हो गई, ये ज्योमेट्री एक्सेप्टेड हो गई। क्लियर? अब दो लोन पेयर की बात करें, इसीलिए सीसो रखा था अपन ने, याद है लोन पेयर यहां रखा था और ज्योमेट्री सीसो आई थी। अब आपके पास दो लोन पेयर आ गए, एक ऑप्शन तो ये है कि आपने ये दोनों यहां रख दिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका, तो कि अगर आप दो लोन पेयर होंगे तो आप कहां रखना चाहोगे उसे, 90 डिग्री पे रखोगे या 120 पे? ऑब्वियस सी बात है दूर दूर रखोगे तो 120 पे रखोगे, ऑब्वियस सी बात है कि दूर दूर रखोगे तो 120 पर ही रखोगे। यहां एक पॉसिबिलिटी ये भी कि यहां रख दो और एक लोन पेयर यहां रख दो। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों जो है वो एक्सीएल पे रख दो। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, दोबारा समझना, आपकी बार क्या आ गए, दो लोन पेयर आ गए, तो अब ये सवाल आ रहा है कि दो लोन पेयर कहां रखें, अब ये सवाल आ रहा है कि दो लोन पेयर कहां रखें। अब देखो दो लोन पेयर, एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि 120 पर रख दो क्योंकि 120 पर बहुत दूर दूर होंगे, एक पॉसिबिलिटी आई कि मतलब इक्विटोरियल पे रख दिया, एक पॉसिबिलिटी आई कि एक इक्विटोरियल पे रखो एक एक्सीएल पे रखो, और एक पॉसिबिलिटी आई कि दोनों जो है वो कहां रखो, इक्विटोरियल पे रख दो। एक पॉसिबिलिटी क्या आएगी, दोनों, जल्दी बोलो, दोनों एक्सीएल पे रख दो, सॉरी। ठीक, अब 90 डिग्री पर ही काउंट करना है आपको, किस पर काउंट करना है आपको जल्दी बताओ, 90 डिग्री पर, किस पर काउंट करना है, 90 डिग्री पर। अब आप 90 डिग्री पर काउंट करना है तो देखो आप 90 डिग्री पर पहला रिपल्शन तो यहां पर शायद लोन पेयर आएगा क्योंकि दो लोन पेयर है और एक आएगा लोन पेयर बोन पेयर। 90 डिग्री पर लोन पेयर रिपल्शन नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये 120 पर है दोनों। 90 डिग्री पर लोन पेयर रिपल्शन नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों 120 पर है। अब इधर आ जाओ, लोन पेयर बोन पेयर काउंट करते हैं इसका। देखो ये इसके साथ 90 पर है एक, ये भी इसके साथ 90 पर है एक, कितने हो गए, ये दो, ये वाला भी इसके साथ 90 पर है तीन, और ये वाला भी इसके साथ 90 पर है चार, ये चार आएगा कैसे जरा देखना, फील लेना आप। ये आपका ऐसी वाली ज्योमेट्री जहां पर एक लोन पेयर ये रहा पहला, तो इस वाले लोन पेयर से काउंट कर लेते हैं, और एक लोन पेयर यहां है तो इससे काउंट करो तो ये 90 डिग्री एक और ये नीचे वाला भी दो, और इस वाले से एक 90 डिग्री ये और नीचे वाला भी दो, तो टोटल कितने हो गए, चार। यहां काउंट करो, यहां काउंट करो तो लोन पेयर आएगा यहां। अब देखो कितना आएगा, एक, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। अब आपका लोन पेयर बोन पेयर निकालो यहां पे, तो लोन पेयर बोन पेयर निकालोगे तो देख के बताओ फटाफट क्या आएगा, ये वाला एक इससे 90, ये वाला भी तो इससे 90 होगा दो, ये भी इससे 90 होगा तीन। ठीक है, इधर आओ, अब यहां एलपीएलपी और एलपीबीपी की बात करें, यहां एलपीएलपी कितना आएगा, जीरो है ही नहीं 90 डिग्री पे, और यहां एलपीबीपी कितना आएगा, एक दो तीन चार पांच और ये छह, ये छह आएंगे। वापस से समझते हैं 3D में, देखो ये है, दो लोन पेयर रखे थे मैंने, एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, तो ये आ गया, यहां लोन पेयर था तो मैंने काउंट किया था एक नीचे वाले से दो, यहां था एक एक दो, टोटल कितने हुए थे, चार। अब की सिचुएशन यहां आ गई दूसरे वाले में, दूसरे वाले में मैंने क्या किया, लोन पेयर यहां रख दिया एक, और एक लोन पेयर यहां एज्यूम करो,
एक तो ये लोन पियर 90 डिग्री पर है नहीं है, एक एलपी एलपी रिपल्शन, तो एक एलपी एलपी रिपल्शन हो गया, हो गया। दूसरा यहां पर है तो ये एक 90 डिग्री पर एलपी बीपी, ये भी एक यहां पर है, तो दूसरा 90 डिग्री पर एलपी बीपी, दो हो गए। अब एक यहां पे था तो एक और आपका एलपी बीपी, देखो ना एक यहां पे तो ये 90 पे हो गया, इससे एलपी बीपी, ये भी 90 पे हो गया एलपी बीपी। अब एक यहां पर था 18, तो ये भी आपका 90 पर हो गया एलपी बीपी। कितने हुए बताओ, तीन एलपी बीपी और एक एलपी एलपी। अब उधर आओ, अब की बार क्या किया, अब की बार हमने क्या किया, ऊपर नीचे रख दिए, अब ऊपर नीचे रख दिए यहां पे। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, एक ऊपर है ये 90, एक एलपी बीपी, ये 90 एक और एलपी बीपी, ये 90 एक और एलपी बीपी, नीचे वाला देखो ये 90 एक और एलपी बीपी, ये 90 एक और एलपी बीपी, और ये 90 एक और एलपी बीपी। तो हुए नहीं हुए, ये तीन नीचे से हो गए और ये तीन ऊपर से हो गए, तो टोटल कितने हुए, 6 एलपी बीपी। कितने हुए, 6। तो यहां भी रिपल्शन ज्यादा इसलिए काउंट नहीं करेंगे, यहां भी रिपल्शन ज्यादा काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये होगा। और इसकी ज्योमेट्री हमने बताई थी बेंट टी शेप, क्लियर। दो लोन पेयर जब आए थे तो बेंट टी शेप बोला गया था इसको, क्लियर सबको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां आपने बोला कि एलपी एलपी जीरो है, सर एलपी एलपी तो है ना, फिर ये जीरो क्यों बोल रहे हो, जब दो लोन पेयर है तो रिपल्शन तो आएगा ना, तो आप जीरो क्यों बोल रहे हो। अब यहां पर आपका डाउट जो है ना उसको समझना पड़ेगा आपको, यहां लिखा हुआ 90 डिग्री पर, यहां सवाल ये है कि क्या 90 डिग्री पर लोन पेयर रिपल्शन है यहां पर, नहीं यहां जीरो है। अब 90 डिग्री पर ही क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहां दो एंगल थे, एडजेसेंट एंगल जो मैंने कहा था, या तो 90 डिग्री या 120। कल पढ़ाते समय मैंने बोला था कि एडजेसेंट एंगल से ही प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। अगर लोन पेयर 90 डिग्री पर रखें तो पास पास होंगे, पास पास होंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, इसलिए आपको कहां रखना चाहिए उसको, 120 पर। 120 पर रखेंगे, जल्दी बोलो, 120 पर रखेंगे तो क्या होगा, दूर दूर होंगे, ठीक है, तो रिपल्शन कम आएगा। तो मिनिमम कराना रिपल्शन अपन ने, 90 पर रिपल्शन ज्यादा होता, 120 पर रिपल्शन कम है, तो रिपल्शन को क्या किया, मिनिमम। इसलिए इस थ्योरी का नाम है मिनिमम रिपल्शन थ्योरी, इसलिए इस थ्योरी का क्या नाम है, मिनिमम रिपल्शन थ्योरी। तो आप यहां पर 90 डिग्री पर कंसिडर कर रहे हैं कि लोन पेयर रिपल्शन है कि नहीं, तो भाई 90 डिग्री पर दोनों लोन पेयर नहीं है, इसलिए जीरो आया है। अब आया समझ में, क्लियर। यहां पर 90 डिग्री पर था इसलिए एक आया है, यहां 90 डिग्री पर नहीं है दोनों इसलिए जीरो आया है। अब देखो यहां पर एलपी बीपी 4 है या एलपी बीपी 6 है, तो ये ज्यादा हो गया। अब यहां एलपी बीपी 3 है, यहां एलपी बीपी 4 है, लेकिन यहां एक एलपी एलपी भी आ गया, तो तीन एलपी बीपी तीन एलपी बीपी से बराबर हो गए, एक बचा एलपी बीपी, ये बचा एलपी एलपी, एलपी एलपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, तो ये भी ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, इसलिए ये ज्योमेट्री भी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। इस तरह से यहां पर ये बेंट टी शेप आई थी। अब सवाल पूछेगा आपसे, चलो बताओ कौन सी ज्योमेट्री सही है इन तीनों में से, जल्दी से बताओ, ट्राई करो, कौन सी ज्योमेट्री सही है जल्दी बताओ उसकी। सोच लिया, सिंपल है, ये वाली सही है, अभी तो बताई थी, आया ना सबको, आ गया, गलत आंसर है, ये आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि यार ये तीनों पोजीशन तो एक ही होती है, तीनों आइडेंटिकल है, 120 120 120 इक्विटोरियल,
यानी कि लोन पेयर इन तीनों में से कहीं भी रखा जा सकता है। क्या बोला मैंने कि लोन पेयर इन तीनों में से कहीं भी रख सकते हो, यहां रखो यहां रखो यहां रखो, एक ही बात है। यानी कि ये ज्योमेट्री जो है 3D में वही है, 3D में वही है, एक ही बात है। ये सब 120 पर ही है, ये सब 120 पर ही है, ये सब 120 पर ही है। क्लियर? फिर से पूछा आपकी बार उसने, कौन सी CLF3 की ज्योमेट्री सही है बताओ, सोचो। कौन सी ज्योमेट्री सही है सोचो। अब बताओ क्या होगा? ऑल आर इनकरेक्ट, सब गलत। देखो पहली वाली तो गलत है ही से, क्योंकि इसमें CLF3 में ऊपर नीचे लोन पेयर नहीं आ सकता, यहां भी 90 डिग्री पे नहीं आ सकता, तो यहीं आ सकता था, लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ करा दिया, यानी एग्जामिनर यहां मिस्टेक करा का आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम कर दिए। हंट्स रूल और पाउली रूल याद है, कौन सा रूल वॉयलेट हुआ इसमें? पाउली। पाउली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन वाले, ये सेम स्पिन कर दिया उसने यहाँ पे। सेम स्पिन करते ही ये भी स्ट्रक्चर अब गलत मानी जाएगी, इसलिए स्ट्रक्चर लिखा ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब एक मिस्टेक और करवा सकता था वो, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, याद है? तो यहां थीटा लेस देन 90 है, अगर यहां पर स्ट्रक्चर ऐसी दे देता एक और जिसमें थीटा लेस देन 90 कर देता, तो फिर स्ट्रक्चर गलत हो जाती, क्योंकि 90 डिग्री भी नहीं होता एंगल इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ के वेकू बनाएगा। तो अब आई होप आप वेस्पर थ्योरी की स्ट्रक्चर्स चेक कर सकते हैं अच्छे से, गड़बड़ नहीं करेंगे। अगला अब आ रहा है, आप कौन सी ज्योमेट्री पे? ये तो TBP हो गई, हाँ तो बोल दो। हो गई, दो लोन पेयर रख दिए ना, अब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के अंदर सबसे खास बात क्या होती है पता है? ये सारे एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, इसलिए पहला लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो आप, क्योंकि जब भी कहीं पर भी लोन पेयर आप रखोगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सेम ही आएंगे। तो यहां पर पहला लोन पेयर तो कहीं भी रख सकते हो, उसकी कोई पोजिशन डिफाइंड नहीं है, बस इतना कहा जाएगा कि पहला लोन पेयर जहां रखोगे दूसरा लोन पेयर उसके अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, पहला लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो आप, क्लियर? तो ये वाली इसीलिए ज्योमेट्री का नाम था स्क्वायर पिरामिडल, और ये वाली ज्योमेट्री जो थी वो आपकी स्क्वायर प्लेनर थी। क्लियर, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको कि ज्योमेट्री में क्या रखना है, फर्स्ट लोन पेयर जहां होगा सेकंड लोन पेयर उसके अपोजिट आएगा। ठीक, अब सवाल कैसे आएंगे देखो,
चलो ट्राई करो फटाफट इसको, कौन सा सही है इसमें। क्लियर? अब ध्यान दो इधर, आंसर आपका आएगा सी, करेक्ट स्ट्रक्चर ये होगी। पूछो क्यों, ये तो गलत हो गई वापस से, क्योंकि इसने हंसुल पॉली का रूल फेल हो गया, पाउली पाउली गलत हो गया भाई। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले नहीं है, ये गलत हो गया। पूछो क्यों, यहां पर पाउली तो सही है लेकिन ये एंगल लेस देन 90 नहीं होता है। स्क्वायर प्लेनर में कल लिखवाया था एंगल आपके चार होते हैं 90 डिग्री के, चार होते नहीं होते। यहां आओ, यहां आप देखोगे तो बिल्कुल सही है, पाउली से और थीटा 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर सी आएगा। तो इस तरह से आपको वेस्पर थ्योरी में स्ट्रक्चर्स बताएंगे तो बता दोगे। अगला सवाल, बताओ आंसर बताओ इसका, चलो टिक करो। हो गया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, नीट में आया हुआ है सवाल भैया ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। सवाल में लिखा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, क्योंकि जब ये आया था ना सब उलट गए थे, आंसर ही नहीं आया था, कहीं होगा गलत सलत आया था। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री मैंने आपको क्लियरली सिखाया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट को बोलते हैं। तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे XEF4 का, तो आपका आएगा sp3d2, sp3d2 का इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि छह ऑर्बिटल आएंगे, छह ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे कि उनमें जो है वो रिपल्शन मिनिमाइज हो, इस तरह से अरेंज होंगे कि रिपल्शन मिनिमाइज हो। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आता है उन छह के छह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के अरेंजमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इसलिए आंसर तीन गया था। अगर यहां लिखा होता ज्योमेट्री या शेप, दोनों एक ही बात होती है, अगर बोलता कि XEF4 की ज्योमेट्री या शेप बताओ, तो आंसर आप क्या देते, आप आंसर देते कि XEF4 की ज्योमेट्री या शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, तो ये आपको एक डाउट आपका और क्लियर कर दिया। कहीं पर भी सवाल आया आज के बाद, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में अलग आंसर है, मतलब ध्यान रखना, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है। क्लियर? अब ये आपका लोन पे रिपल्शन के बाद उन्होंने एक और रिपल्शन बताया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है मात्र, तो उसके ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन यार, तो जब पेयरिंग करते जाओगे आप तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, उसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर? लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी,
और वो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, तभी आएगा समझ में ये। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं आपको बताता हूं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ये आपका एक NO2 है, NO2 माइनस नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, NO2। तो NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, CLO3 की बात करो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, CF3 की बात करो, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा, अभी नोट मत करना है ना। और अगर मैं CH3 बनाऊं, आप अभी प्लीज नोट नहीं करेंगे, मैं बोलूं तब नोट करना, तो ये ऐसा बनेगा। ये कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा निकालना, तो आप आगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एंगल हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही निकालते हो आप वेस्पर से, क्योंकि वेस्पर हमेशा क्या बोलता है, 109 हाइब्रिडाइज्ड एंगल। एक लैंग्वेज आती है ना कभी भी, हाइब्रिडाइज्ड एंगल क्या है, मतलब समझते हो आप, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एंगल है वो, जैसे टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइज्ड एंगल है 109, एसपी2 का हाइब्रिडाइज्ड एंगल है 120, एसपी का हाइब्रिडाइज्ड एंगल है 180। क्लियर। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई एनर्जी पर रहता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या रहता है, हाई एनर्जी पर। हाई एनर्जी पर रहने की वजह से ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। तो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज वो हाई एनर्जी पर रहेगा। परंतु अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया सेंट्रल एटम से, दोबारा बोलना, अगर सराउंडिंग एटम ये रहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया देन सेंट्रल एटम, तो वो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से इस नाइट्रोजन इस सेंट्रल एटम की इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर बढ़ेगी। अगर वो पावर बढ़ेगी तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसे, तो सोच सकते हो आपकी गैप कम हो जाएगा। और अगर गैप कम हो गया, और अगर गैप कम हो गया तो सोचो क्या हुआ, अगर गैप कम हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या हुआ, ये एक दो तीन, एक दो और तीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2। ज्योमेट्री क्या है इसकी, प्लेनर, ठीक है। यहां देखो आप, ऑड इलेक्ट्रॉन हाई पर होगा, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, ये रहा सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सेंट्रल एटम पर क्या डेवलप कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, तो यहां पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसे काउंट कर लेंगे। काउंट करते ही क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस तरफ आओ, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही ये इस ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, खींचते ही हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3। यहां पर एक सवाल पूछूं मैं आपसे, आपसे सवाल पूछेगा कि NO2 ClO3 एंड CF3, इन तीनों में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं लग रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ऐसा नहीं लग रहा ये वाला आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ऐसा नहीं लग रहा ये वाला इसका जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब इस तरफ आओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और इसकी होती है आपकी 2.1,
क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। तो अब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से कौन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नो डाउट कार्बन ही खींचेगा। कार्बन अगर खींचेगा तो यहां 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 नेगेटिव आएगा, कार्बन अपनी ओर खींचेगा तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा, नहीं, ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। और अगर अपनी ओर नहीं खींच पाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा तो कौन से ऑर्बिटल में पाया जाएगा, प्योर ऑर्बिटल में। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो पिरामिडल जैसा हो गया। हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा तो तीन सिग्मा बॉन्ड देना, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 होगा, ये। अब आप देखो कार्बन, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये 1s2 2s2 2p2 होएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ेगा तो जाकर के आपका यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से एक्साइट किया तो। अगर हाइब्रिडाइजेशन आप sp2 लाते हो तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहां बचा होगा, कौन से ऑर्बिटल में होगा, प्योर ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में होगा बताओ, प्योर ऑर्बिटल में। कहां होगा, प्योर। और वो प्योर ऑर्बिटल कौन सा है, 2p। और p ऑर्बिटल ऐसे बनाते कि नहीं बनाते, ये आपका ऐसे, इसलिए p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ये। अब आप सोच रहे होंगे साले यहां पर तो आपने एक ही बनाया, एक ही बनाया, एक ही बनाया, और यहां आपने ऐसे दो बना दिए। उसका रीजन सुनो, इन सब में कौन से वाले में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है, ऐसे, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। यहां कैसे पाया जा रहा है, पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है ना, डबल मतलब दो बार दो लोब होती है उसमें एक डंबल में, इसलिए ऐसा बना रहे। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा और ये क्या आएगा, प्लेनर। क्लियर। तो अब देखो ये आपका प्लेनर हो गया, ये आपका प्लेनर हो गया, ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल। पिरामिडल, क्लियर। नोट करो इसको, अकॉर्डिंग टू फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट हाई एनर्जी लेवल, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट हाई एनर्जी लेवल सो इट डजंट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, सो इट डजंट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, सो इट डजंट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, बट इफ सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, बट इफ सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, then it developed partial positive charge on central atom, it developed partial positive charge on central atom, it developed partial positive charge on central atom, developed partial positive charge on central atom, so orbital contract towards central atom, orbital contract towards central atom, orbital contract towards central atom and involve in hybridization, and involve in हाइब्रिडाइजेशन। एंड इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्लियर सबको। अब देखो सवाल कैसे कैसे आएंगे इसमें।
अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, अगली क्लास में ही करेंगे इसको, क्योंकि अब ये नहीं आएगा। ठीक है, सवाल देखो कैसा आएगा। बताओ आंसर बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल, किसमें प्योर ऑर्बिटल में रहेगा, जल्दी बताओ। सिंपल है यार, अभी तो बताया था ये, ठीक है, इसके अंदर अभी बताया था कौन से ऑर्बिटल में होता है, 2p में, 2p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को प्योर ऑर्बिटल ही कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग है। ठीक है, एक सवाल, दूसरा सवाल लिखो, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चलो बताओ। सिंपल है, NO2 के अंदर होती है। ठीक है, अभी बताया था आपका कि NO2 के अंदर ये पाया जाएगा, आया ना, क्लियर। चलिए यहां तक आपको याद करके आना अच्छे से, ताकि अगली क्लास में हम आगे बात कर सके। ठीक, अच्छा, डीपीपीस के बारे में अब हम करते हैं डिस्कस। आई थिंक डीपीपी आप 1 2 3 4 5 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो डीपीपी 1 2 3 4 5 तक आप ट्राई करें। ठीक है, और जो शीट आपको दी गई है उसके अंदर भी आप हाइब्रिडाइजेशन तक एक्सरसाइज 1 और 2 में अगर सवाल है तो वो कर सकते हैं, तो होमवर्क नोट करो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तक शीट में सवाल को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे।